सांसद दीपक बैज को फिर से विधानसभा चुनाव में उतारा है। उन्हें चित्रकूट से टिकट दिया गया है। सूची जारी होने के बाद दीपक बैज ने पहली प्रतिक्रिया दी है और कांग्रेस की जीत का दावा किया है। देखिए तो पार्टी का निर्णय है, एक एक सीट पे पार्टी ने मंथन किया, एक एक सीट पे पार्टी ने गहराई से विचार करने के बाद आज सूची घोषित हुआ है। अगर पार्टी ने निर्णय लिया, सोच समझ कर लिया है, तो पार्टी का निर्णय सबके लिए स्वागत योग्य। देखिए बस्तर की बात करें और भारतीय जनता पार्टी के बाकी सूचियों की बात करें, जो प्रत्याशी हारे हुए हैं, जनता ने नकार दिया, उनको टिकट दिया, और हमारे पास कुछ नए चेहरे भी हैं और कुछ जिताऊ कैंडिडेट भी हैं, दोनों का मिक्सिंग है। इसलिए हमारा पहला चरण का सूची 20 जो पहला चरण का सूची के साथ बाकी नाम भी आया है और 20 जो सीटों पे चुनाव होना है, बेहतर टिकट वितरण हुआ है। 20 का 20 सीट हम लोग जीत के आएंगे। पार्टी ने आदेश किया चुनाव लड़ने का, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चित्रकूट विधानसभा में नामांकन भरेंगे, फिर कार्यकर्ता और जनता ही चित्रकूट विधानसभा में काम करेगी। चित्रकूट विधानसभा की जनता के साथ, मतदाताओं के साथ हमारा पारिवारिक और बहुत गहरा संबंध है। अगर मैं वहां प्रचार ना भी जाऊं तो कोई दिक्कत नहीं है। चित्रकूट विधानसभा में इस समय ऐतिहासिक वोटों से जीत के आएंगे। इसके अलावा हमको बाकी विधानसभाओं में प्रचार में भी कहीं फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि फायदा होगा। 20 का 20 सीट में प्रचार करेंगे और पूरे 90 सीटों में प्रचार करेंगे।